नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे खबरों की ग्वालियर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने मंदिर जा रहे एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले लोहे की रॉड से एएसआई को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, फिर एक बदमाश ने गोली मार दी। एएसआई की कमर को गोली छूते हुए निकल गई। घायल एएसआई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर एक एएसआई पर जानलेवा हमला किया गया है। लोहे की रॉड से एएसआई को पहले दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसके बाद बदमाशों ने एएसआई को गोली मारकर मारने की कोशिश की, लेकिन एएसआई की किस्मत अच्छी थी, उनकी कमर को गोली छूते हुए निकल गई। फिलहाल एएसआई अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर एएसआई पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये एएसआई जो शिवपुरी जिले में पदस्थ हैं, अभी सस्पेंड चल रहे हैं, तो उनके ऊपर पहले उनके घर में झगड़ा हुआ था, तो कुछ व्यक्ति लड़के थे तो उन्होंने फायरिंग करी थी। उसी रंजित समय पर FIR करा दी थी उनने पहले, अभी उसी रंजित समय पर उन लोगों ESI साहब को घेरा, उसकी मारपीट करी और गंभीर एक छड़ से मारपीट करी है सिर में। हाँ, उनका फरियादी का कहना है कि फायरिंग की है और जांच पे अपराध जांच में है, जैसी विवेचना वैसी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एएसआई पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, कौन थे ये बेखौफ बदमाश जिन्होंने खाकी को ही निशाना बनाया है? देखिए, बिल्कुल, बदमाश अब इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस वालों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ब्रिजेश यादव एएसआई है, जो शिवपुरी में पोस्टेड है, कल मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उसी दौरान 3 बदमाश आते हैं। पहले उनको सरिये से हमला करते हैं, फिर उसके बाद में लाठियों से पीटते हैं, बाद में वो लहूलुहान हो जाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा जाता है। कुछ लोग बचाने भी आते हैं तो उनके साथ भी वो हमला कर देते हैं। बाद में एक इनका साथी था, वो फायर करता है, फायर करके पूरे कमरे में लगता है, सीटी बाहर निकल जाती है, उनकी गली में उसके बाद अच्छी थी कि वो बच गए। इस तरीके से एएसआई को दौड़ा दौड़ा कर ग्वालियर शहर में पीटा गया, पुलिस और लोगों की बात है। तो निश्चित तौर पर लोगों में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त है कि पुलिस वालों तक तो नहीं छोड़ा जा रहा, तो आम लोगों को क्या हालात होंगे। पुलिस वाला जो एएसआई है, वो जिला चिकित्सालय में अपना इलाज है वो करा रहा है, पुलिस ने FIR वो दर्ज कर लिया, जान से मारने के लिए का जो FIR वो दर्ज किया। 3 लोग नामजद है, पुलिस की गई गिरफ्तारी की बात कर रही है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। ठीक है करतार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।